उदाहरण 16। एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर एक्स अंश, कोण बी बराबर 3x अंश और कोण सी बराबर y अंश है। यदि 3y अंश ऋण 5x अंश बराबर 30 अंश हो तब सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। हल: त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों के मान क्रमशः 1x अंश, कोण बी बराबर 3x अंश व कोण सी बराबर y अंश है। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसीलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए कोण बी कोण सी के मान रखने पर ए का मान हमारे पास दिया है एक्स अंश, तो हमने कोण ए की जगह में एक्स अंश रखा। धन कोण बी का मान हमारे पास दिया हुआ है 3x अंश, तो हम यहाँ 3x अंश लिखेंगे कोण बी के स्थान पर। धन कोण सी का मान y अंश है, तो ये y अंश बराबर 180 अंश। ए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए एक्स अंश धन कोण बी 3x अंश धन कोण सी y अंश बराबर 180 अंश, या एक्स अंश धन 3x अंश बराबर 4x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश, या 4x को हम पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष में तो हमें प्राप्त होगा y अंश बराबर 180 अंश ऋण 4x अंश। ये हमारा समीकरण एक, इसको हम समीकरण एक मानते हैं। दिया है 3y अंश ऋण 5x अंश बराबर 30 अंश। इसे हम जो दिया है उसे हम समीकरण दो मानते हैं। समीकरण एक से y का मान दो में रखने पर समीकरण दो जो है हमारे पास 3y अंश ऋण 5x अंश बराबर
30 अंश है, यहाँ पे हम ये 3 का 3 हुआ और y के स्थान पर हम 180 अंश ऋण 4x रखेंगे। तो यहाँ y के स्थान पे हम ये समीकरण 1 से 180 अंश ऋण 4x अंश रखे, कोष्टक को बंद कर दिया गया, ऋण 5x अंश बराबर 30 अंश। या कोष्टक को खोलने पर हमें प्राप्त होगा 3 गुणित 180 अंश ऋण 3 गुणा 4x अंश ऋण 5x अंश बराबर 30 अंश। या 3 गुणित 180 अंश हुआ हमारा 540 अंश ऋण 3 गुणा 4x अंश बराबर 3 चौक 12x अंश ऋण 5x अंश बराबर 30 अंश। आगे देखते हैं, हमने देखा 540 अंश ऋण 12x अंश ऋण 5x अंश बराबर 30 अंश। या ऋण 12x अंश ऋण 5x अंश को हम जोड़ेंगे तो ऋण 17x अंश बराबर 30 अंश। 540 अंश का पक्षांतर करने पर ऋण 540 अंश। या ऋण 17x अंश बराबर 30 ऋण 540 अंश बराबर 500 ऋण 510 अंश। दोनों पक्षों में ऋण 1 का हम जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 17x अंश बराबर 510 अंश। या x अंश बराबर 510 अंश बटा 17 अंश। या x अंश बराबर 510 अंश बटा 17 अंश में 17 एकम 17, 17 तीय 51, तो 3 और ये शून्य का शून्य अंश, तो x अंश बराबर 30 अंश हमें प्राप्त हुआ। x का मान x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है हमारा था y अंश बराबर 180 अंश ऋण 4x अंश। या y अंश बराबर 180 अंश ऋण 4 और x के स्थान पर हम 30 अंश रखेंगे। या y अंश बराबर 180 अंश ऋण 4 को 30 अंश से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 120 अंश। या y अंश बराबर 180 अंश में 120 को घटाएंगे तो 60 अंश प्राप्त होगा। इसीलिए कोण A हमारे पास है x अंश ये दिया था और x का मान हमने प्राप्त किया 30 अंश, तो कोण A बराबर x अंश बराबर 30 अंश। उसी तरह से कोण B बराबर हमारे पास है 3x अंश, तो 3 गुणा 30 अंश बराबर 90 अंश। और कोण C जो है उसका मान हमारे पास दिया है y अंश, और y अंश का मान हमने अभी निकाला है 60 अंश, तो y अंश बराबर 60 अंश। तो इस तरह से कोण C बराबर y अंश बराबर 60 अंश। आगे देखते हैं, स्पष्टता त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों
में एक कोण का मान 90 अंश तथा शेष दोनों कोण 30 अंश व 60 अंश है। अतः दिया गया त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यह इस प्रश्न का हल होगा।